नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। निजी कॉलेजेस में अनियमितताओं का खुलासा, भवन दिखाया कहीं, पढ़ाया कहीं और। हिमाचल के दर्जनों निजी कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स में कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ। इन शैक्षणिक संस्थाओं का निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की टीम ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण में टीम को पता चला कि निजी संस्थानों ने पढ़ाई के लिए भवन कोई और दिखाया और विद्यार्थियों की पढ़ाई कहीं और कराई जा रही है। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने इन कॉलेजेस के लिए फीस कुछ निर्धारित की थी और कॉलेज प्रबंधन ने इससे अधिक फीस वसूली है। हिमाचल में गांव से शहर में बसने आए लोगों को ज्यादा हो रहा मधुमेह। गांव से शहर में बसने आए लोगों में शहरियों से ज्यादा मधुमेह हो रहा है। शहर में बसे लोगों की अपेक्षा ऐसे लोगों में अधिक रफ्तार से डायबिटीज का प्रसार हो रहा है। हिमाचल प्रदेश समेत 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों पर हुए अध्ययन में ये बात सामने आई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से करवाए इस अध्ययन की ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जर्नल ऑफ डायबिटीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस में छपी है। ये अध्ययन 20 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्तियों में मधुमेह और संबंधित कार्डियो मेटाबॉलिक विकारों पर हुआ है। 2 दिनों में लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करवाए तो जब्त होंगे। फतेहपुर विधानसभा में उपचुनाव के चलते लागू चुनाव आचार संहिता के चलते लाइसेंसी हथियारों को पुलिस थानों व पंजीकृत दुकानों में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के द्वारा ऐसे हथियार धारकों पर दूरभाष के माध्यम से भी फोन किया जा रहा है। बावजूद इसके अभी तक कुछ लोग बंदूकों को जमा नहीं करवा रहे। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत ऐसे लोगों को 2 दिनों के भीतर अपनी लाइसेंसी बंदूकें जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बेसहारा पशुओं से टकराई बाइक, चालक की मौत। हमीरपुर जिले के अंतर्गत बड़सर उपमंडल के तहत आने वाला मसलाना कला पुल के पास मंगलवार शाम को बेसहारा पशुओं से बाइक की टक्कर होने के कारण मसलाना कला गांव के एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देशराज निवासी गांव मसलाना कला अपनी दुकान दियोट सिद्ध से घर जा रहा था। जैसे ही वो मसलाना पुल के पास पहुंचा तो उसकी बाइक बेसहारा पशुओं से टकरा गई। इस दुर्घटना में बाइक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।